टस लेफ्ट लंग अप टू दी लेग सॉरी लेफ्ट लेग जो है न वो अप टू दी एडिमेटस है इट इज डिसकलर्ड विद लार्ज स्टैंडर्ड ब्लैक ब्लिस्टर्स और ही स्टेकीकार पेन ब्लिस्टर्स आर स्मॉल टू ंग ऑफ द लेग वर्ट बैक्टीरिया इज कॉम्बल रॉड शेप एंड एरो ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप्ड एंड एरो की कॉम्बलिकेशन है और ये क्या पिक्चर थी गैस कैंग्रीन की कलास्टीडियम पर फ्रेंजिस की वजह से हो रही है और एंड आर डिस्क्राइब इन द आंसर जिसमें डि कड़ी वगैरह की पिक्चर है और वो तो गैस के ये ज्यादा होने की वजह से हुआ है और टेंडर ब्लैक ब्लिस्टर बनेंगे देन है विच ऑफ द फॉर्मिंग इज अ ट्रू अबाउट गैप जंक्शन ये इंटर सेलोर कनेक्शन होते हैं कनेक्टिव साइटोप्लाज ऑफ टू सेल्स इन न्यूरॉन्स नोन एज इलेक्ट्रिकल साइनएफ न्यूरो में इलेक्ट्रिकल होती हैं टू सेल्स में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं इस वजह से ये कहते हैं इंटर सेलोर कनेक्शन होती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी तो आगे इसने थोड़ा सा बताया हुआ है कि जो इंटरसलर कनेक्शन होती हैं इनमें इम और परमी ढेरिंग कम्युनिकेटिंग में टाइट, जो, टाइट होते हैं में जोलाडेंस इंटरमीडिएट में जोलांस डेमोसो मैकुल्समी गैप जंक्शन होते हैं 628 a 14 year old tennis player has not reached puberty yet her mother is concerned what is the likely levels of hormones lh fsh estrogen lh decreased fsh decreased estrogen decreased so agar uh, प्लेयर हैज नॉट रीच्ड प्यूबर्टी तो क्या होंगे इन सारी चीज़ों के लेवल्स डिक्रीज होंगे डायबिटिक इफेक्ट ऑन रीनल वेस्कुलेचर डायबेटिका हो गया हाई लाइन आर टी डी करवा देती है हाईपर प्लास्टिक आरटीरियो सोसिस इन पर कैपिलरीज कैपलरीज फाइबर तो हाई लाइन आर करवाती है ये डायबिटिक इफेक्ट होता है और रीनल वेस्कुलेचर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ अड बोन पटेला एलेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इंकसार्म हाइड बोन तो सीसामाइड बोन कौन सी नहीं है पटेला सिसामाइड बोन होती है एलेंटिकुलर प्रोसेस ऑफ इंकस भी सीसामाइड है पीसीफॉर्म बोन भी है सीसामाइड बोन और पीसीफॉर्म बोन का पीछे उसने बताया होता है कि ये लीस्ट आर्टिकुलेशन में इन्वॉल्व होती है फिर उसके बाद हाईड बोन है तो बोन्स स्मॉल मोर लेस राउंडेड स्मॉल मोर लेस राउंडेड मैसेज एम्बेड इन सर्टन टेंडेंस एंड यूजली रिलेटेड टू जॉइंट सर्विस देयर फंक्शंस प्रोबेबली आर टू मोडिफाई प्रेशर, टू डिमिनिश फ्रिक्शन एंड ओकेजनली टू आल्टर द डायरेक्शन ऑफ आर मसल पुल विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रंट डेफिशियंसी इज एसोसिएटेड विद एक्नी जिंक जिंक की डेफिशंसी से एक्नी होती है सिलीनियम कॉपर जिंक का आयरन तो इसका आंसर है जिंक इसके बाद है विच पैथोजिन इज इम्प्लीकेटेड इन एक्नी एक्नी में पैथोजिन कौन सा होगा प्रोपायोनी बैक्टीरियम किंगसीएला एक्नेला मेलासीजी तो प्रोपायोनी बैक्टीरियम होता है अ यंग मेल प्रेजेंट टू यू विद एपिसोडिक एंड फ्लशिंग है ब्लड प्रेशर इन द ऑफिस इज वन सिक्सटी बाई हंड्रेड हिज हार्ट रेट इज हंड्रेड एंड ही सेज ही स्टार्टेड टू फील हिज हार्ट रेस मोर एंड एंड मोर ड्यूरिंग दिस एपिसोड्स ही वॉज ट्रीटेड विद द वकोमाइसिन फारा प्रिज्यूम्ड निमोनिया अ वीक अर्लियर वैन दिस एपिसोड बिगन वट इज योर लाइकली डायग्नोसिस नियासिन वकोमाइसिन सेंसिटिविटी फ्योक्रोमोसाइटोमा रीनल स्टोनोसिस तो ये है फियोक्रोमोसाइटोमा